झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर को एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोवा और माता जमुना बाई था। झलकारी बचपन से ही साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। बचपन से ही झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस जानवर को मार डाला। वह एक वीर साहसी महिला थी। झलकारी का विवाह झांसी की सेना में सिपाही रहे पूरन कोली नामक युवक के साथ हुआ। पूरे गांव वालों ने झलकारी बाई के विवाह में भरपूर सहयोग दिया। विवाह पश्चात वह पूरन के साथ झांसी आ गई। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के नियमित सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वह लक्ष्मी बाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रता का परिचय दिया। रानी के वेश में युद्ध करते हुए वे अपने अंतिम समय अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई के पति पूरन भी बहुत बहादुर थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी किले में गईं। यहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गईं, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी की बहादुरी के बारे में जानकर प्रभावित हुईं और दुर्गा सेना में शामिल कर लिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और अन्य हथियारों का प्रशिक्षण किया। आगे चलकर झलकारी दुर्गा सेना की सेनापति बनी। 1951 में बीएल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी में उनका उल्लेख भी किया गया है। वर्मा ने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को विशेष स्थान दिया है। उन्होंने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को कोरियन और रानी लक्ष्मीबाई के सैन्य दल की साधारण महिला बताया है। झलकारी बाई का पहला आत्मचरित्र 1964 में भवानी शंकर विशारद द्वारा लिखा गया। भवानी शंकर ने उनका आत्मचरित्र का लेखन वर्मा के उपन्यास और झलकारी बाई के जीवन पर आधारित शोध को देखते हुए किया है। बाद में कुछ समय बाद महान जानकारों ने झलकारी बाई की तुलना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र से भी की है। कुछ ही सालों में भारत में झलकारी बाई की छवि में काफ़ी प्रख्याति आई है। झलकारी बाई की कहानी को सामाजिक और राजनीतिक महत्ता दी गई है और लोगों में भी उनकी कहानी सुनाई गई है। बहुत सी संस्थाएँ झलकारी बाई की मृत्यु के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाती हैं। झलकारी बाई की महानता को देखते हुए ही उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग की गई है। भारत सरकार ने झलकारी बाई के नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैंप भी जारी किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूजियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते ब्रिटिशों ने संतान लक्ष्मी बाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्रवाई के विरोध में रानी की सारी सेना, उनके सेना नायक और झांसी के लोग रानी का साथ लामबंद हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प किया। लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले में भीतर से अपनी सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश और उनके स्थानीय सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों को नाकाम कर दिया। रानी के सेना नायकों में से एक दूल्हे राव ने उसे धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापतियों और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठ अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गईं। झलकारी बाई का पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु की शोक मनाने के ब्रिटिशों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद वह किले के बाहर निकल ब्रिटिश जनरल ह्यू ग्रोस के शिविर में उससे मिलने पहुंचे।
उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।